हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आई हूँ अभी मोनास्ट्री पे। एक्चुअली एमजी मार्ग गैंगटोक से मैं घर जा रही थी, तो रास्ते में पड़ता है ये मोनास्ट्री, तो मैंने सोचा कि आप सबको दिखा दूँ मोनास्ट्री। ठीक है, सिक्किम में ना बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म है, रिलीजन। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो मोनास्ट्री तो बहुत सारा होगा, और फिर आप सबको मैं दिखाऊँगी। ठीक है, अभी यहाँ पे ऊपर जा रही हूँ। ऐसे होता है ना, यहाँ पे ना हर रास्ता शॉर्टकट और फिर ऊपर चलना पड़ता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे गाड़ी चल रही है और मैं यहाँ ऊपर आई हूँ। और ज़्यादा ऊपर जाना है, चलना है बहुत ज़्यादा। सब डिस्टेंस में अगर पतले हो तो चल सकते हैं, और थोड़ा मोटे हो ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हेलो गाइस, फाइनली मैं आ चुकी हूँ, आपको दिखाऊं। ठीक है, देख सकते हो मेरे पीछे ये, और फाइनली हम पहुंच गए। अभी कोई नहीं है यहाँ पे, तो मैं दिखाती हूँ। ओके, अंदर है। तो गाइस, अभी अंदर पे बहुत सारे लोग हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पीछे बहुत ज्यादा सुंदर है स्टैचू, मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मोनास्ट्री है, और यहाँ पे आप देख सकते हो वो स्टैचू है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा सुंदर है यहाँ पे मोनास्ट्री। ये छोगेल का है सारा मोनास्ट्री, आप देख सकते हो पूरा आसपास ऐसा है। और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, और अभी हमें सूस उतार के ही अंदर जाना है। अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा घूमेंगे, और इसके पास में भी ये बहुत ज़्यादा छोटा सा सुंदर सा स्टैचू बना है, और यहाँ पे गार्डन है आप देख सकते हो। और यहाँ ऊपर जाने का यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे हम बोलते ध्वजा, और यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा ध्वजा वगैरह बहुत ज़्यादा साफ। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो गाड़ी मिलेगा, अगर यहाँ से आएंगे तो शॉर्टकट यहाँ से ऊपर आना होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है गाइस, आप देख सकते हो। तो गाइस, आपको तो पता है बहुत साल पहले सिक्किम नामग्याल डायनेस्टी के अंडर था, छोगेल के रूल था वहाँ पे। पहले हमारा किंग था कुंचुक थे, और उसके बाद पूरा नामग्याल डायनेस्टी था, और जब ब्रिटिश आए उसके बाद ही सिक्किम को क्या हुआ कि इंडिया के साथ मर्ज किया गया था। लेकिन जब उस टाइम पे छोगेल का डायनेस्टी नामग्याल डायनेस्टी था, तो पूरा जो भी यहाँ पे मैक्सिमम इन गैंगटोक छोगेल का वो है, जैसे मोनास्ट्री है और बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारा, एक होता है ना बंगलो वगैरह, ऐसा कुछ अभी भी है यहाँ पे। ठीक है, और स्कूल्स वगैरह बहुत पुराना उस टाइम पे ब्रिटिश छोगेल के टाइम, जैसे किंग के टाइम कैसे हुआ करता था, वैसे भी है अभी भी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा सुंदर है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल शांत, एकदम बहुत शांत। यहाँ पे ना टाइमिंग में एक उन लोगों का एक मंत्र होता है कुछ, वो प्रे बहुत अच्छा लगता है जब वो बजता है ना वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो गाइस, आप भी आ सकते हो, मोनास्ट्री बहुत ज़्यादा है, आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हो। वहाँ पे बड़ा सा स्टैचू है गौतम बुद्ध का, तो फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, बाहर भी आप दर्शन, अगर अंदर नहीं जाएंगे तभी भी यहाँ देख सकते हो। यहाँ छोटे छोटे में भी आपको अंदर का रेप्लिका दिखाई देगा। तो गाइस, मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना है, और ऐसे शांति ऐसे पीस आपको कहीं नहीं मिलेगा, और इतना साफ सफाई। तो गाइस, आप भी आना और घूमना। ठीक है, तो अभी हम थोड़ी फ़ोटो लेंगे, और फिर अंदर तो नहीं जाएंगे,
ऑलरेडी हम जा चुके हैं पहले, तो अंदर नहीं जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे तो शांति फील करेंगे। और फिर ऑब्वियसली बुद्ध एक स्पिरिचुअल, एक शांति के लिए जाना जाते हैं, तो टीचर है, गुरु है वो, ऑब्वियसली अब तक देख सकती हूँ मैं अच्छे से दिखाऊंगी, ठीक है आपको। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाया हुआ है, और फिर यहाँ विंडो देख सकते हो, कलर बहुत ज़्यादा कलरफुल है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी एक वो है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो ना, यहाँ पे लिखा है नामग्याल सोरी क्लिनिक। आपको पता है नामग्याल मतलब उस टाइम पे जो नामग्याल डायनेस्टी थी छोगिल के टाइम के, उसमें लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर भी एक्टिविटी लैंग्वेज है, पूरा सिक्किम में मोस्टली यहाँ पे देख सकते हो डिजाइन वगैरह, पूरा टिबेटियन डिजाइन है, क्योंकि राजा ही वहीं के थे ना, यहाँ आके रूल किए उन लोगों ने। आप देख सकते हो पूरा जो डिजाइन है, स्टाइल है, वहीं से लिया गया है और बनाया हुआ है। गाइस अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ बाहर चेयर पे, यहाँ पे ना मॉन्क्स वगैरह होते हैं ना, हम बोलते हो लामा, ठीक है, तो जो मंक्स वगैरह यहाँ पे वो स्टडी वगैरह करते हैं, आपने तो देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा लोग मेरे सिक्किम के सब्सक्राइबर है और बाहर के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है, तो आपको तो पता है जो वो बाल वगैरह वो निकालते वो ऐसा यहाँ पे पढ़ते वो आके, ठीक है, लामा मंक स्पिरिचुअलिटी वो स्टडी करते और स्पिरिचुअल टीचिंग वो करते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा शांति है गाइस, बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आके यहाँ पे, लेकिन जब भी आएंगे ना अंदर जाके जरूर 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 प्रे करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। लाइट वगैरह वो कर सकते हो, लाइट वगैरह जला सकते हो यहाँ पे, उसे छीमी वगैरह कुछ बोलते हैं। तो गाइस अभी मुझे बहुत ज़्यादा मैंने अब थोड़ी देर बैठूंगी और फिर जो शांति का होता है ना एक फील करना है, तो उसके बाद फिर चली जाऊंगी, क्योंकि आज घर जाना है, क्योंकि गैंगटॉक से गाड़ी है, हम तो टैक्सी में चलते हैं, अपना पर्सनल तो नहीं है, यहाँ तक तो इतना दूर तो नहीं आते हम घर की गाड़ी में, तो सर्विस में 1:30 का है टाइमिंग, गाड़ी अभी स्टैंड पे नहीं आया, लेकिन वो हम वेट कर रहे, तो अब गाड़ी जब चलेगा तो हम चलेंगे। हमने सोचा चलो मोनास्ट्री आप सबको दिखा दे, क्योंकि स्टैंड के पीछे जब गैंगटॉक स्टैंड देवराली है उसी के पीछे ये मोनास्ट्री है, तो जब भी आप गैंगटॉक स्टैंड आएंगे तो ज़रूर यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि नज़दीक में ही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मुझे जस्ट आपको एक मोनास्ट्री दिखाना था, तो चलो आगे भी मिलते रहेंगे, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना। थैंक यू गाइस, बाय।